देखिएगा हम लोग लास्ट क्लास में जो है रेजोनेंस में सीरीज रेजोनेंस बात की। सीरीज रेजोनेंस में जो है हम लोग उसका सारा जो है इम्पीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी लास्ट क्लास में कर बात किए थे, है ना। उसके बाद जो है इम्पीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर हमारा ये आया था, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है अरे उल्टा मैं गया कुछ लिखिए ये कर्व है ना, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपका जो है आपका आया था एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है इम्पीडेंस मिनिमम होता है ना, और करंट मैक्सिमम होता है। आपने पढ़ा है इस चीज को, याद है आपको, है ना। तो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो गया, जिसमें जो है ये मिनिमम हो रहा है इम्पीडेंस, रिजिड वर्सेस फ्रीक्वेंसी है, और उसी पे जो है आपको याद होगा आई इक्वल टू वी वाई जेड। जब हमारा जो है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे इम्पीडेंस मिनिमम होगा तो करंट हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, है ना। दिस इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। नाउ हम लोग बात करते हैं बैंड विड्थ, नाम ही है इसका बैंड का विड्थ मतलब चौड़ाई, है ना। यानी कि ये हमारा जो बताता है एक डेफिनेट रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी बताता है, डेफिनेट रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जिस पर करंट जो है वो नियर अबाउट मैक्सिमम वैल्यू पे, नियर अबाउट। ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक जो आपका करंट है, यहाँ से यहाँ तक ये नियर अबाउट मैक्सिमम वैल्यू पे, ओके। या इम्पीडेंस नियर अबाउट क्या हो, मिनिमम वैल्यू पे। तो नियर अबाउट मैक्सिमम या नियर अबाउट मिनिमम करने का मतलब क्या हो गया कि ये जो है आपका मैक्सिमम वैल्यू के आसपास अगर वैल्यू आ रहा है तो जिस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत ऐसा हो रहा है या इम्पीडेंस मिनिमम हो रहा है या करंट मैक्सिमम हो रहा है उसी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कहेंगे, बैंडविड्थ। गॉट इट। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू जो आता है ना, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू आता है वो देखो, ये देखो आरएमएस वैल्यू, ओके, ये आरएमएस वैल्यू है। आरएमएस वैल्यू यानी कि 70.7% आईएम बाई रूट टू, ऑफकोर्स ऑल ऑफ यू नो आरएमएस वैल्यू यानी कि मैक्सिमम बाई रूट टू। तो मैक्सिमम बाई रूट टू, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जब यहाँ से आप मिला रहे हैं तो दो पॉइंट पे जो है मैक्सिमम वैल्यू आरएमएस वैल्यू आ रहा है, सॉरी दो पॉइंट पे आरएमएस वैल्यू आ रहा है, तो दो पॉइंट पे आरएमएस वैल्यू आ रहा है कि दो फ्रीक्वेंसी पे आरएमएस वैल्यू आ रहा है। जब यहाँ से एक लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, ओके, तो दो फ्रीक्वेंसी पे आरएमएस वैल्यू आ रहा है। तो नियर अबाउट मैक्सिमम कहने का मतलब क्या हो गया कि आरएमएस वैल्यू से ऊपर जितने सारे वैल्यू हैं वो सारा नियर अबाउट मैक्सिमम वैल्यू है। ऑफकोर्स एसी में जो है जो करंट पास होता है वो आरएमएस वैल्यू होता है, नहीं तो वो तो पास हो रहा है, तो उससे मैक्सिमम वैल्यू यानी कि उससे जितना वैल्यू मैक्सिमम तक जाएगा उस वो जिस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत आएगा, दिस इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज कॉल्ड बैंडविड्थ। क्लियर है, ओके। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अब रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी मैंने बात किया, अब ये कौन सा दो फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी पे दोनों आरएमएस वैल्यू ही मिलता है। ऑब्वियस है कि ये एफ टू का वैल्यू जो एफ वन से हमेशा ज्यादा होगा, है ना। ये हायर वैल्यू है और ये लोअर वैल्यू है। इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, गॉट इट। या हम लोग कहते हैं बैंड फ्रीक्वेंसी, ओके, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, बैंड फ्रीक्वेंसी। ऐसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहते हैं कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। ऐसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, HPF, ओके। तो ये दोनों हमारा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा, क्योंकि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या कॉर्नर फ्रीक्वेंसी या बैंड फ्रीक्वेंसी या आपका जो है हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, ये सारा वो फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी पे करंट जो है, करंट गेन वो आए आपका आरएमएस वैल्यू, करंट गेन आरएमएस वैल्यू या 0.70 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज कॉल्ड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी कि ये दोनों वो फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी पे करंट का आरएमएस वैल्यू
या मैक्सिमम बाई रूट टू वैल्यू जिस फ्रीक्वेंसी पे आता है उसको हम लोग बोलते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, बैंड फ्रीक्वेंसी, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी या हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, है ना। अब यहाँ पे बैंड फ्रीक्वेंसी या ये कट ऑफ, ये एफ वन और एफ टू कौन सा फ्रीक्वेंसी हो गया, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब इस बैंड फ्रीक्वेंसी को हाफ पावर फ्रीक्वेंसी क्यों कहते हैं, हाफ, है ना, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी यानी कि पावर आधा हो जाता है। ओके, यानी कि इस फ्रीक्वेंसी पे जो है मैक्सिमम वैल्यू, जितना भी मैक्सिमम वैल्यू पावर होगा उसका आधा वैल्यू मिलता है इसी फ्रीक्वेंसी पे, इसीलिए इसको कहते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। क्लियर, इसीलिए इसको कहते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। नाउ अब हम लोग हाफ पावर फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे आपको जो है हाफ पावर फ्रीक्वेंसी या बैंड फ्रीक्वेंसी वो आपका दो तरह का है, एक छोटा है एक बड़ा है, यानी कि एक लोअर है एक हायर है। तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी जो है या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या बैंड फ्रीक्वेंसी या कॉर्नर फ्रीक्वेंसी अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम होगा, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम होगा तो उसको हम लोग कहेंगे लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी या लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, लोअर बैंड फ्रीक्वेंसी या लोअर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। क्लियर, वही अगर जो है आपका जो फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। ओके, यानी कि आप इस तरह से लिख सकते हैं एल एच पी एफ और अपर यूएसपी, अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, अपर बैंड फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये इस तरह से, तो ये एफ टू है, एफ एच है, इसको आप एफ वन को जो है एफ एल भी लिख सकते हैं और एफ टू को जो है एफ एच भी लिख सकते हैं, यानी कि बैंडविड्थ जो है एफ एच माइनस एफ एल भी लिख सकते हैं। क्लियर है ना। तो बैंडविड्थ हमारा क्या हो गया, बैंडविड्थ हम लोग बोल सकते हैं एक ऐसा फ्रीक्वेंसी बैंड, ओके, एक ऐसा फ्रीक्वेंसी बैंड विद इन द लिमिट्स, लिमिट्स ऑफ लोअर एंड अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, ओके, फ्रीक्वेंसी बैंड, या हम लोग बोल सकते हैं डिफरेंस ऑफ अपर एंड लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ। क्लियर है, आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना, दिस इज द बैंडविड्थ। ओके, नाउ नेक्स्ट जो है हमारा वो है क्वालिटी फैक्टर, ध्यान से देखेंगे, क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर क्या है, ये एक इंडिकेशन, ये बताता है कि कितना एनर्जी स्टोर हुआ एज कंपेयर टू एनर्जी डिसिपेशन। ऑफ कोर्स कोई भी सर्किट में जब हम लोग एनर्जी इनपुट देंगे, कोई भी सर्किट हो हमारा, तो अगर उसमें रिएक्टिव एलिमेंट हुआ यानी कि इंडक्टर कैपेसिटर, तो वो एनर्जी स्टोर करेगा, रिलीज करेगा, है ना। अगर रेसिस्टेंस होगा तो वो एनर्जी डिसिपेट करेगा, ऑफकोर्स कोई ऐसा सर्किट नहीं जिसमें रेसिस्टेंस ना हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, अगर वहाँ पे हम लोग वही देखते हैं कि अगर हमारा जो है सर्किट दिया हुआ है तो क्वालिटी फैक्टर क्या इंडिकेट करता है, सिंपल, हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड एज कंपेयर टू एनर्जी डिसिपेटेड, यानी कि एनर्जी जो डिसिपेट हो रहा है उसके कंपेयर में कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर हुआ, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर। क्लियर है, ये क्वालिटी फैक्टर हुआ। तो हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी, यहाँ पे हम लोग फिजिकल सिग्निफिकेंस का ही बात कर रहे हैं हम लोग अभी, यानी कि अगर डिसिपेशन कम होगा, ओके, फॉर द सेम स्टोरेज अगर डिसिपेशन कम होगा, यानी कि क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होगा, जितना कम डिसिपेट करेगा एनर्जी उतना ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगा, तो जितना ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगा उतना ज़्यादा क्वालिटी फैक्टर होगा। क्लियर है, तो ये याद रखेंगे
अभी हम इसको मैथमेटिकली प्रूफ भी करेंगे. लोअर द लेवल ऑफ डिसिपेशन, लोअर द लेवल ऑफ डिसिपेशन फॉर द सेम स्टोरेज, है ना, सेम स्टोरेज पावर और रिएक्टिव पावर, लार्जर द क्वालिटी फैक्टर. अभी हम इसको प्रूफ करेंगे, डोंट वरी. ओके, मतलब डिसिपेशन का लेवल जितना कम होगा, ओके, और स्टोरेज अगर सेम है, यानी कि पावर जो स्टोर कर रहे हैं वो सेम है, तो जितना कम क्वालिटी जितना कम पावर डिसिपेशन होगा उतना ही ज़्यादा क्वालिटी फैक्टर होगा. क्लियर? और जितना ही ज़्यादा क्वालिटी फैक्टर होगा, ओके, उतना ही ज़्यादा जो है रेजोनेंस का जो कर्व है, अभी हम जो कर्व दिखाए थे, ओके, ये कर्व जो हम लोग करंट का दिखाए थे, उतना ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा, यानी कि उतना ज्यादा ऐसे करके पिकी होगा, पिकी टाइप का. ओके, ये स्मूथ हुआ, फ्लैट, ये फ्लैट होते जा रहा है, और ये हमारा जो है ये धीरे धीरे जो है कंसंट्रेट होते जा रहा है. ये तब पॉसिबल है जब क्वालिटी फैक्टर ज्यादा हो. तो जितना ज्यादा क्वालिटी फैक्टर होगा उतना ज्यादा कंसंट्रेट और उतना ज्यादा इंटेंस जो है रेजोनेंस का रीजन होगा. क्लियर है? इसको भी हम लोग प्रूफ करेंगे, है ना. तो हम लोग ने क्या कहा, क्वालिटी फैक्टर होता क्या है, हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड एज कंपेयर टू पावर डिसिपेशन. तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली. अब इसी चीज को, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रिएक्टिव पावर, रेशियो ऑफ रिएक्टिव पावर ऑफ एदर इंडक्टर और कैपेसिटर टू द एवरेज पावर ऑफ रेसिस्टर, टू द एवरेज पावर ऑफ रेसिस्टर. जैसे क्वालिटी फैक्टर को अगर हम लोग क्यू नॉट से डिनोट करें, है ना, क्यू नॉट से, तो हम लोग बोल सकते हैं स्टोरेज पावर डिवाइडेड बाई डिसिपेटेड पावर. डिसिपेटेड पावर, ओके, यही हमारा हो गया क्वालिटी फैक्टर. अब समझ आ रहा है, ये डिफिनेशन है, है ना. अब सोचो कोई भी सीरीज आरएलसी सर्किट है हमारे, कोई भी सीरीज आरएलसी सर्किट, है ना, वी आर, ये एल, ये सी, ये भी आर, ये भी एल, ये भी सी, ये करंट आई, ओके. तो ये जो हमारा क्वालिटी फैक्टर हुआ, ये तीन एलिमेंट दिख रहा है. यहाँ पे स्टोरेज एलिमेंट कौन कौन सा है, इंडक्टर और कैपेसिटर. आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्वालिटी को, क्वालिटी फैक्टर को रिएक्टिव पावर बाई डिसिपेटेड पावर, यानी कि एवरेज पावर. एवरेज पावर को जो हम लोग बोलते हैं एक्टिव पावर. ऑल ऑफ यू नहीं. अब कोई इंडक्टर के लिए हम लोग बात करते हैं, मान लेते हैं फॉर एन इंडक्टर, फॉर एन इंडक्टर, हाँ, यू नोट, तो रिएक्टिव पावर ऑफ इंडक्टर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर एक्सएल, और एवरेज पावर क्या हो जाएगा, एवरेज पावर आई स्क्वायर आर, लिख सकते हैं हम लोग. ए पावर डिसिपेट होता है ना, रेसिस्टेंस के कोरस्पॉन्डिंग पावर, नहीं, और इसमें एक ही काई कट गया, तो आई एक्सएल बाई आई आर लिख सकते हैं, है ना. ये आई एक्सएल इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एल, और आई आर इक्वल टू क्या होगा, वी आर. क्लियर? और एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है वी एल इक्वल टू वी आर इक्वल टू वी होता है, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ऑल ऑफ यू नो, पता है भाई, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जेड इक्वल टू आर, ओके, उसी तरह जो है वी आर इक्वल टू वी,
तो क्यू नॉट इक्वल टू वी एल बाई वी आर है, इसी को लोग कहते हैं वोल्टेज मैग्निफिकेशन। याद रखेंगे सीरीज आरएलसी सर्किट में, सीरीज रेजोनेंस सर्किट में वोल्टेज मैग्निफाइड होता है ना। नाउ यहाँ पे आई स्क्वायर आई स्क्वायर कैंसिल हो गया, जिसको एक्सएल बाई आर भी लिख सकते हैं, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। क्यू नॉट इक्वल टू ये पावर बाई ये पावर, या वी एल बाई वी, या एक्सएल बाई आर। एक्सएल को भी आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा नॉट एल बाई आर, ये भी फॉर्मूला आपका हो गया ओमेगा नॉट एल बाई आर। अब ओमेगा नॉट को आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा नॉट को, ओमेगा नॉट को लिखते हैं हम लोग वन बाई अंडर रूट एल सी, नहीं इंटू एल बाई आर इक्वल टू वन बाई आर अंडर रूट एल बाई सी। ये भी क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला हो गया जो आपको याद रखना होगा, क्लियर, ये सारा आपको याद रखना होगा। तो फाइनली देखो क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू रिएक्टिव पावर बाई एवरेज पावर, वी एल बाई वी, ओके एक्सएल वाई आर, ओमेगा नॉट एल वाई आर, वन वाई आर अंडर रूट एल वाई सी, ये सारा फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, ओके क्लियर है। नाउ फॉर द कैपेसिटर, कैपेसिटर के लिए रिएक्टिव पावर क्या होगा, आई स्क्वायर एक्स सी, तो आई आई कैंसिल आई एक्स सी है ना, आई एक्स सी क्या हो गया वी सी, वी सी वाई वी आर, वी सी हमारा वी सी वाई लिख सकते हैं हम लोग जस्ट के लिए। अब फिर आई आई कैंसिल हो गया एक्स सी वाई आर, एक्स सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं वन वाई ओमेगा नॉट सी, और आर है ही तो वन बाई ओमेगा नॉट सी है ना। नाउ वन बाई ओमेगा नॉट को क्या लिख सकते हैं वन बाई अंडर रूट एल सी इंटू सी आर, जब इसको सॉल्व करेंगे तो वन बाई आर अंडर रूट एल वाई सी, तो ये आपका कॉमन है, ये भी कॉमन है ये फार्मूला। तो कैपेसिटर के लिए आई स्क्वायर एक्स सी बाई आई स्क्वायर आर, वी सी बाई वी, ओके वन बाई ओमेगा नॉट सी आर, वन बाई आर अंडर रूट एल वाई सी, क्लियर है। यहाँ भी देखो आपको क्या हो रहा है, वोल्टेज का मैग्निफिकेशन हो रहा है, तो ये आप याद रखेंगे वोल्टेज मैग्निफिकेशन। आई थिंक नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस, नहीं ना, ओके